सकता है हमारी हत्या होगी, हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर मुझे मानने वाले लोग हैं और मेरी हत्या होती है तो मैं आपसे कहूंगा उस समय धरना नहीं दिया जाएगा, ना कोई आगजनी किया जाएगा, ना ही सड़क जाम किया जाएगा और ना ही बसों का शीशा फोड़ा जाएगा। यदि सच में हमारी हत्या से आपको गुस्सा लगे तो शीशा नहीं सर फोड़ना उन बेईमानों का जिनके कारण हमारी हत्या हुई। बहुत दिन तक डर के रहे, कत्ल होगा, शहादत होगी निर्मल महतो की, शहादत होगी सुनील महतो की, और टाटा में असिस्टेंट जीएम के पद पर काम करेगी एसएसपी पत्नी, हम सवाल करेंगे, ये सवाल करने का हमको हक है। शहादत देंगे सुनील महतो, आज उनकी विधवा माँ रो रही है, आर्थिक दंड स्थिति का सामना कर रही है, और एसएसपी की बीबी या फ्री फोकट में जनरल मैनेजर पद पे काम करेगी, हम इसका सवाल करेंगे। आपको जो कहना है कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। अरे कब तक डरेंगे कुल्हाड़वासी, कब तक डरेंगे, कब तक इनकी गुलामी सहेंगे? अरे जिनके हमारे बाप दादाओं की जमीनों पर टाटा जमशेदपुर खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पे उषा मार्टिन खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पे टिस्को खड़ा है, इस बात को जहन में याद रखिएगा कोलानवासियों। आज कोलांचल से ये टाइगर ये संदेश लेके आया है कि अब हमें डरने की नहीं, अरे मरना पड़े तो मर जाइए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं सवाल करूंगा टाटा मैनेजमेंट से कि ललित दास कौन है, हो इज ललित दास, व्हाट इज हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता क्या है, कौन है ललित दास, उसकी योग्यता क्या है, कितना सब पढ़ा है कि आज सीएसआर को संभालेगा, आज IL6 में नौकरी करेगा, सारा जिसका गांव गजरा एक नहीं 18 गांव टाटा के लिए जो है, और छत्तीसगढ़ का रघुवर दास जी का बेटा ललित दास ये IL6 में नौकरी करेगा, सीएसआर को संभालेगा, हम सवाल करेंगे, पूछेंगे मैनेजमेंट से, छाप के इसको हेडलाइन में कि जनाब महतो टाटा प्रबंधन से सवाल करता है, जमशेदपुर की टाटा प्रबंधन से कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता। बाहर बात अच्छा मजाक बना के रख दी है, कत्ल होगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, हमारी लहू से स्वर्णिका की नदी लाल होगी, हमारी लहू से दामोदर की नदी लाल होगी, और ललित दास माला माल होगा, हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे इस बात को लेकर। आइए सामने टाटा के प्रबंधन और हमें उत्तर दीजिए कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता। पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होना योग्यता है या वर्तमान राज्यपाल का बेटा होना योग्यता है, क्या यह योग्यता कहा जाएगा? भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, क्या बाप के दौड़ने के बदले बेटा दौड़ोगा बढ़ेगा, बाप के दौड़ से बेटा दौड़ोगा बढ़ेगा, बाप एग्जाम पास करेगा बेटा टीचर बढ़ेगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री है चाहे वर्तमान राज्यपाल है, ललित दास कौन है, हमको हिसाब किताब चाहिए। आज ना ये चुनावी भाषण देने आए हैं, ना राजनीति की बात करने आए हैं, एक संदेश लेके आए हैं कि कोयलांचल और कोल्हान के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल महतो बनाइए, उसको हथियार से लेस कीजिए। अरे कैसे लड़ाएंगे आप इनसे, 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, आप ऐसे लोगों से लड़ पाएंगे? आपका टीचर बेटा लड़ पाएगा, आपका वकील बेटा इनसे लड़ पाएगा, आपका डॉक्टर बेटा इनसे लड़ पाएगा? इसलिए आज कोल्हान और कोलांचल, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल बनाइए, और उन बेईमानों से युद्ध के लिए तैयार कीजिए, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अरे आप किससे उम्मीद करते हैं? SSP आपको जानकारी होना चाहिए, SSP टाटा का साथ देते हैं, हिंदू मुस्लिम का राइट होता है, 44 मुसलमानों की दुकान तोड़ी जाती है, उस समय धारा 144 होता है, लेकिन
का रातों रात रोड बनाता है, धारा 144 का कहीं जिक्र नहीं होता है, आपकी सुरक्षा कौन करेगा बताइए? कौन करेगा आपकी सुरक्षा? ये हम आप बताइए हमें, कौन करेगा आपकी सुरक्षा? आज ये डोबो का वीडियो किसी हो, कोई डोबो का सीओ है, पहले मैं कहना चाहूंगा यहां बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदार हैं, उनको नमस्कार है। आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है। अगर कंपनी में भी ईमानदार लोग हैं तो ईमानदार उनको नमस्कार है। लेकिन सुनने में आया है कि डोबो का सीओ 20,000 रुपया प्रति एकड़ अपने बाप का जमीन मोटेशन करवाने के नाम पे मांगता है। ऐसे सीओ को जो डोबो का सुनने में आया है उसको दो मोने में लेकर डुबा दीजिए, इस बात को हम चिन्ह ठोक के कहेंगे। उसका बाप का जमीन है क्या? 20,000 नहीं, 20 पैसा नहीं मिलेगा, 20 पैसा नहीं मिलेगा। बीडीओ के बाप का जमीन है, सीओ के बाप का जमीन है क्या? लेकिन आपके बाप का दादा का ये जमीन है, ये 4,000 साल से हम ये खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारा प्रमाण है। अरे अब तो दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सबसे पहला इंसान सिंहभूम से निकला था। आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया के रिसर्च की टीम कह रही है कि जब दुनिया जल में था और जल से जो मिट्टी का कण पहले बाहर आया था वह सिंहभूम का इलाका था, ये दुनिया के रिसर्च टीम कह रही है। यानी ये जमीन हमारी है, ये भूमि हमारी है, और आज यहां हम बेगाने बन के बैठे हैं, आज यहां हम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज हमारे यहां कत्ल किया जा रहा है और एकदम साल दर साल किया जा रहा है, 1977 में 1987 में 1997 में एकदम कंटिन्यूली हमारा कत्ल किया जा रहा है। और आज हम हाथ धर के बैठे हैं, आज हम कहना चाहेंगे, आज बिल्कुल अगर हम होते हैं निर्मल दा के समय, यदि हम होते सुनील दा के समय, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते, उनकी मौत के साथ साथ और 100 लोगों को मरने के लिए तैयार करते हैं, और आंख से आंसू नहीं उनको नदी में बहाते जो उनकी मौत का कारण बने थे। हमने आंख से आंसू बहाया, हमने अनाथों जैसा अनुभव किया कि हमारे लीडर चले गए, अब रोने का समय नहीं है, अब बिलखने का समय नहीं है, इंतकाम का समय है, क्योंकि आने वाला 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी ना वो निर्मल दा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो बिरसा मुंडा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो शेख भिखारी को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, आने वाली पीढ़ी सवाल भी नहीं कर पाएगी। इसलिए आज आपको अपने हर एक घर से, हर एक परिवार से एक एक औलाद को, चाहे बेटा या बेटी रहे, एक एक औलाद को फौलाद बनाना होगा। ये आज मैं कोलान वासियों को कहना चाहूंगा। आज मैं एक सवाल करूंगा इस भीड़ से, मैं सवाल करूंगा टाटा नगरी बसे बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे लोगों से कि जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी मालिक कौन था टाटा का? कोई होगा। जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी मालिक कौन था? हु वाज द फाउंडर, हु वाज द ओनर? टाटा का कोई होगा, नौशेरे भाई टाटा या जो भी उनका नाम है। आज 115 साल बीत चुके हैं, आज टाटा का मालिक कौन है? आज भी टाटा का मालिक टाटा का बंसी है। 100 साल पहले टाटा ने पूंजी का इन्वेस्ट किया था, आज 100 साल बाद भी टाटा का मालिक टाटा का बंसज है। लेकिन एक सवाल होगा मेरा, 100 साल पहले जिन कुर्मियों ने, जिन संथालियों ने, जिन हो ने, जिन गोड़ाई ने, जिन धीवर ने, जिन अल्पसंख्यक ने टाटा में जमीन दिया था, आज उस परिवार के पास क्या नौकरी है? आज हम सवाल करेंगे। अरे आपने पूंजी लगाया, 100 साल बाद आप मालिक है, हमने भी पूंजी दिया है। पूंजी दो प्रकार की होती है इंपॉर्टेंट, एक जमीन, दूसरा अर्थ। अर्थ आपका, मालिक आज आप है, जमीन हमारी, हम कहां ये सवाल करेंगे? ये कैसा देश है जो कहता है ये गांधी का देश है, ये किसानों का देश है? गांधी जी कहते थे
कि किसानों की आत्मा बसती है गांव में, तो आज कहां है गांव, आज कहां है किसान, केवल पूंजीवादी का हावी, आज चारों तरफ केवल कैपिटलिज्म के लोगों का दबदबा। ठीक है, हम विकास के विरोधी नहीं है, अरे हमने इंसान भी दिया है और जमींदार भी दिया है। हमने इंसान के रूप में कभी बिरसा भगवान को दिया, कभी भागीरथ मांझी, कभी तिलका मांझी को दिया, तो कभी निर्मल महतो, तो कभी सुनील महतो जैसे शेर को हमने दिया। और जमीन की बात कीजिएगा तो जहां तक टाटा की नजर जाएगी वो जमीन सारी की सारी हमारी है। क्या नहीं दिया हमने विकास के नाम पे? विकास के नाम पे हमारा कत्ल हुआ, विकास के नाम पे हमारा गांव उजाड़ा गया, विकास के नाम पे हमको लूटा गया। और आज अगर हम सवाल करेंगे तो आप हमें उग्रवादी जैसे शब्दों से नवाजेंगे। तो आज ये बात जान लीजिए, भले आज ये आपका समय है क्योंकि प्रधानमंत्री आपके हैं। सही बात है, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, भले आप भावनाओं में वोट देते हैं। आज फिर किसान आंदोलन कर रहा है, किसान 700 मर चुके हैं, ये किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक रोल बनाते। 1984 तक टाटा ने जो 15,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है उसमें मात्र 3,000 एकड़ में प्रोडक्शन का काम हुआ है, मात्र 3,000 एकड़ में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। यदि ये देश और ये वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर किसानों के होते तो एक फरमान जारी करते कि बाकी जो आपके पास 12,000 एकड़ बचा है उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है क्या? उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है? जी नहीं, रियल एस्टेट को बेचना है। हमारी जमीनें टाटा डिसाइड करेंगे, रियल एस्टेट को बेचना है। इसलिए अगर सच में ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक नियम बनाते, और ये नियम है भी, बकायदा न्यायालय में चर्चा हो चुका है कि यदि किसी कंपनी ने जमीन लिया है और उस जमीन पे काम नहीं हुआ है तो रैयत को वापस लौटाना चाहिए। टाटा ने 15,000 एकड़ जमीन लिया है, मानते हैं 3,000 एकड़ पर इन्होंने काम किया है, चलिए 3,000 एकड़ एक्स्ट्रा, अभी भी 10,000 एकड़ जमीन है जो इनके कब्जे में है, वो यहाँ के रैयतों को वापस मिलना चाहिए, तब मानेंगे ये गांधी का देश है, तब मानेंगे किसानों का देश है। आप बोलेंगे हम मान लेंगे, भेजिए 10,000 एकड़ जमीन वापस, तब मानेंगे किसानों का देश है, तब मानेंगे महात्मा गांधी का देश है। आज और तमाम जितने भी आईएएस आईपीएस मिनिस्टर, आज अगर मैं साफ कहूंगा कि संविधान की जितनी हत्या उग्रवादी आतंकवादी करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आईएएस आईपीएस और मिनिस्टर संविधान की हत्या करता है जो पूंजीपतियों का साथ देता है। क्यों पता है? पढ़े लिखे लोग, पुलिसकर्मी भाई आप भी सुनिएगा कि आपके एसपी संविधान की हत्या कैसे करते हैं। हाँ, पुलिस वाली दीदी आप भी सुनिएगा कि आपके डीसी संविधान की हत्या कब करते हैं। भारत के संविधान को खोलिए, भारत के संविधान में प्रियम्बल आता है, प्रियम्बल में क्या लिखा है पता है? हम भारत के लोग सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय की बात लिखा है, हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद का नाम लिखा है, समाजवाद पूंजीवाद नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, भारत के संविधान में समाजवाद लिखा है। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद भारत के निर्माण करेंगे। आज ये जो भी आईएएस आईपीएस अगर पूंजीवाद के पक्ष लेते हैं, नक्सली सभी बड़ा नक्सली वो आईएएस आईपीएस होते हैं। हम सीधा ठोक के कहेंगे। बाकी अस्पताल साहब, आप चाहे तो हमारी मौत का साजिश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी को पूर्व में अभी नहीं, अभी वाले नए आए हैं, पूर्व वाले एसएसपी साहब, आप चाहे तो हमारी हत्या की साजिश रच सकते हैं, रचने का आपको अधिकार है, आपकी पत्नी को टाटा के दलालों ने नौकरी जो दिया है। और ये कोई नई बात नहीं है, झारखंड राज्य में केवल गुंडों ने मौत का साजिश नहीं किया है, बगोदर के एक विधायक थे, नाम अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या में एसपी का हाथ था, शांत सीना ठोक के कहते हैं। आज भी गांव में लोग कहते हैं कि कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या में उस समय जो भी थे, क्योंकि हम लोग उस समय अंडा थे, अंडा मेरा छोटा बच्चा थे,
हमें आइडिया नहीं है, जो भी थे जिस भी जिला के थे, झारखंड में 24 में से एक एसपी का हाथ था महेंद्र सिंह की हत्या में। तो ऐसे लोग जिनको, जिनकी पत्नियों को, जिनके बच्चों को ये लोग नौकरी देंगे, वो हत्या करने से पीछे कैसे हटेंगे? तो सुन लीजिए महोदय, चूंकि आपकी योग्यता का हम सम्मान करते हैं, आपकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, आपकी एजुकेशन का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, हम गरीब लोग हैं, बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन हमारे दिल से एक हाय निकलती है, उस हाय से याद रखिएगा, ये विधाता आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे भाई, अगर हिम्मत नहीं है तो काहे गर्व से बोलते हैं कि आईएएस आईपीएस बन के आए हैं? अगर टाटा, वेदांता, बिड़ला, बीसीसीएल, सीसीएल, अंबानी, अडानी, उषा मार्टिन, टिस्को, टेलको, अगर उनकी गलत नीतियों से आपको लड़ने का हिम्मत नहीं है तो काहे खुद को आईएएस आईपीएस की गिनती करवाते हैं? चपरासी बनिए, चपरासी बनिए। और हम ये भी मानते हैं कि आज आपके पास शक्तियां हैं। अरे बहुत अच्छा, क्या कीजिएगा, ऐसे भी तो हमारा कत्ल होता आया है, हम कत्ल होते होते, हम मरते मरते परेशान हो चुके हैं, हमने बहुत कत्ल देखा है, जितना अंग्रेजों ने हमें नहीं सताया है उससे कई ज्यादा गुना कॉरपोरेट ने, भ्रष्ट आईएएस आईपीएस ने, भ्रष्ट मिनिस्टर ने और भ्रष्ट डोबो जैसे सीओ ने हमें सताया है। अरे आप क्या कीजिएगा, कीजिए ना, मरने सब आया है, कौन यहां जीने आया है? 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज हमारे साथ, अगर हमारी सभा को सुनेगा तब बस जनरल वाला जी बढ़ा देंगे। 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज एक दिन मर जाएगा, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर की धरती ये भी एक दिन मर जाएगी, 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रशांत महासागर, इसका पानी भी एक दिन सूख जाएगा, 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, 95 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ हिमालय का पहाड़ एक दिन पिघल जाएगा, 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में उगने वाला चंद्रमा मर जाएगा। अरे 5 फीट का इंसान काहे डर रहे हैं, काहे डर रहे हैं? आपकी डर आपकी मौत का कारण है, आपकी डर आपकी भय का कारण है। मैं एक लाइन कहूंगा, एक क्रिकेट का उदाहरण आपको दूंगा। साउथ अफ्रीका में खिलाड़ी थे, उनका नाम था ग्रीम स्मिथ, उन्होंने घर की दीवारों पर 3 लाइन लिखा था कि मुझे बड़ा होके साउथ अफ्रीका की टीम से क्रिकेट खेलना है। दूसरा लाइन लिखा था, मुझे क्रिकेटर का ड्रीम होता है वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन ग्रीम स्मिथ का ड्रीम वर्ल्ड कप नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराना था। क्योंकि उन्होंने घर की दीवार पर लिखा था, रोज उनको पढ़ते थे और उन्होंने वो तीनों ड्रीम पूरा किया था। आप भी जाओ घर की दीवारों पर लिख दो, सुनील महतो की शहादत को लिखो, निर्मल दा की शहादत को लिखो, हमारे साथ हुए जुल्म को लिखो, जिस एसपी का टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो, जिस डीएम के टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो, और अपनी पीढ़ी से बोलना आज ना सही, आज वक्त उनका है, जिस दिन वक्त हमारा होगा हम भी उनकी आने वाली पीढ़ी से बदला लेंगे। जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो, जाओ शोषित लोग, वंचित लोग, अपने घर की दीवारों पर लिखो, हाँ आज समय इनका है, आज ये बड़ी बड़ी इमारतें इनका समय है, लेकिन याद रखिएगा सिकंदर भी 33 साल की उम्र में झाल बजाकर लौट गया था। बड़े बड़े 30 मारखास जहां से लौट गए। इसलिए मैं तमाम लोह नगरी में जितने पदाधिकारी हैं, जितने मिनिस्टर हैं, मैं एक संदेश देना चाहूंगा, पाप का भागी मत बनिए, पाप किसी के बाप का नहीं होता है, कंपनियों की दलाली मत कीजिए, रैयत के साथ इंसाफ कीजिए, ये मैं तमाम प्रशासनिक लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। पानी।
थोड़ा सा इनका तबीयत खराब है, कल ही हम लोग इनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। अस्वस्थ होने के बावजूद लगातार हम लोग झारखंड के ज्वलंत विषयों पर लगातार मुखर होकर बोलते हैं। हम लोग अपना फिक्र नहीं करते हैं, हम लोग फिक्र करते हैं कि राज्य का कल्याण कैसे हो, राज्य में इन राक्षसों से हम लोगों को सुरक्षा कैसे दिया जाए। इस विषय पर लगातार हम लोग आंदोलनरत हैं। आप तमाम माता बहनों से, आप तमाम भाई बंधुओं से आशीर्वाद की विनती करते हैं, प्रार्थना करने की विनती करते हैं, दुआ की दरखास्त करते हैं कि हम भाइयों के साथ आप बेहतर दुआ करेंगे, क्योंकि आपकी दुआ मात्र से ही हमें शक्ति मिलती है। हमारी मातृशक्ति भी मंच पर मौजूद है। हम तमाम लोगों का प्रार्थना चाहते हैं, दुआ चाहते हैं, कल हम रहें चाहे नहीं रहे, ये प्रदेश रहना चाहिए, ये उलगुलान रहना चाहिए। क्योंकि कभी इनका बीपी डाउन हो जाता है तो कभी मेरा हो जाता है। कल मेरा भी तबीयत खराब था, लेकिन इनका तबीयत खराब देखकर हमने कहा कि आपको अभी खराब नहीं होना है। कल हम भी रात में फीवर का दवा खाकर सोए। आप दुआ करने का काम करें। थोड़ा सा तेल लगा दो, हल्का तेल में है, यहाँ लगा दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, हाँ बस, हाँ ठीक। अगर जयराम महतो को नेता बनना रहता तो इन नेताओं से कह देना कि आपसे बड़े बड़े नेता इनको खरीदने के लिए आ चुके थे। एक आध दो करोड़ नहीं, 100 करोड़ तक का ऑफर आया, लेकिन इन्होंने ऑफर को ठुकराया और कहा कि झारखंडी जनमानस हमारे साथ है, हमारे ऊपर विश्वास किया है। जयराम महतो अपने आप को बलिदान दे सकता है, अपने आप को सूली के हवाले चढ़ा सकता है, कर सकता है, लेकिन झारखंड के साथ व्यवहार गलत नहीं कर सकता, धोखेबाजी नहीं कर सकता है। अब दुआ देने का काम करें। दुआ देंगे तभी हमें शक्ति मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि वक्ता, अरे नेता लोग तो 10 मिनट बोलता है और बैठ जाता है, लेकिन हम लोग 45 मिनट 2 घंटा तक बोलते रहते। जाहिर सी बात है ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, नसें जो होती है वो फटने लगता है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन इतना दर्द भरा है कि हम लोग रुकते ही नहीं। हम चाहेंगे कि मंच पर आए हमारे बड़े दादा टाइगर जयराम महतो जी। एक्चुअली हम कल मेरा बागमारा में 8 को पंचायत में कार्यक्रम था, 11 को पंचायत में कार्यक्रम था, और 6 पंचायत के बाद हमको कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा और रात को लगभग हॉस्पिटल होना पड़ा, लगभग 2 घंटा पानी चढ़ा, लेकिन उसके बावजूद आपके बीच खड़ा है, क्योंकि हमने वचन दिया था कि शहीद सुनील महतो की शहादत के दिन जाएंगे और उनकी आत्मा हमारे अंदर होगी और जितने बुरे लोग हैं उनका हिसाब करेंगे।
और आज मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहूंगा, जैसे हमारे रिजवान दा ने कहा बिल्कुल राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर हमारी होती, आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग भी बदल जाएंगे क्या। अरे बदल जाने का रहता तो जान जोखिम में नहीं रखते, जान को बचा के सभा करते हैं। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री अपना जीवन में जितना सभा नहीं किया होंगे, हमने 2 साल में किया है। यदि बदलने जैसा कोई भी स्वभाव होता तो आज का कार्यक्रम हम कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि हम 6 को कार्यक्रम कैंसिल करके आए हैं और कल मेरा कार्यक्रम था उसको भी कैंसिल किए हैं, परसों का भी कार्यक्रम कैंसिल किए हैं, तो आज वाला भी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आज वाला कैंसिल इसलिए नहीं किए क्योंकि आज कोल्हांचल की माटी में जाकर जो हमारे कोल्हान के वीर हैं, उन्हें आज कहीं ना कहीं हमें नैतिक समर्थन के साथ साथ शारीरिक समर्थन देने की आवश्यकता है। सही बात है, आज जब हम महाराष्ट्र गए थे, महाराष्ट्र की एक पार्टी का हमको ऑफर था, पूर्वोत्तर भारत की एक पार्टी को ऑफर था कि आप पे हम लोग 100 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, विधानसभा के चुनाव में आपको 2 हेलीकॉप्टर देंगे। लेकिन हमने एक लाइन कहा था तो फिर हम भी तो बाकी नेताओं की तरह, केंद्रीय मंत्री और बाकी मंत्रियों की तरह टाटा टिस्को की दलाली करना होगा। इसलिए आप अपने करोड़ रुपए को रखिए, अपने हेलीकॉप्टर को भी अपने पास रखिए, गोली भी चलेगा तो चलने दीजिए। हम लोग झारखंड में बदलाव लेने आए हैं और इस बात के लिए हम लोग निश्चित अपना वचन रखते हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे कि हम लोग बाहरी भित्री करते हैं, मैं सिरे से खारिज करूंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई बाहरी भित्री की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड में झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है। क्योंकि जब विवाद होता है तो सबसे पहले बिहार और झारखंड सामने आते हैं, तो मैं यदि इन बड़ी बड़ी इमारतों में बिहार के निवासी हैं और मैं संवैधानिक दृष्टि से बिहार को बड़ा भाई मानता हूं, तो पहला संदेश आपको दूंगा, आप ही के राज्य के एक हाईकोर्ट के जज ने हमको टेलीफोन किया था और उन्होंने एक लाइन में कहा आपकी लड़ाई सही है। हमने कहा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बोला यार अगर ये लड़ाई तुम्हारी सही नहीं है तो बिहार से झारखंड अलग कहे बना। ठेकेदारी में भी यूपी बिहार के लोग रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में भी वही लोग रहेंगे, आउटसोर्सिंग में भी वही लोग रहेंगे, प्राइवेट में भी वे लोग, पब्लिक सेक्टर में वे लोग, गवर्नमेंट के सेक्टर में वे लोग रहेंगे, सरकार को पीछे से वे लोग चलाएंगे, तो झारखंड कहे बना है। ये हम नहीं, बिहार राज्य के एक सम्मानित हाईकोर्ट के जज ने कहा। यानी जो लोग अपना अपना हिस्सा खाना चाहते हैं वो कहीं का रहे वो हमारे साथ खड़ा। टेलीफोन से हमारी बात किसान आंदोलन के जाट समुदाय के व्यक्ति से हुआ, उसने बड़ा अच्छा तर्क दिया कि आपकी लोकेलिटी की लड़ाई बिल्कुल सही है। यदि मान लीजिए पूरा इंडिया एक होता, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, और यदि कोई पंजाब का आदमी, जाहिर सी बात अगर पुलिस को ऑप्शन होता सबसे पहले पंजाब के भाई लोग बनते, और यदि वो असम चल जाता पुलिस की ड्यूटी करने तो क्या असम को कंट्रोल कर पाता। ये एक जाट नेता का स्टेटमेंट है कि बिल्कुल सही लड़ाई है, बंगाल में बंगाली, बिहार में बिहारी, झारखंड में झारखंडी। यदि कोई टीचर बनता, केरल की कोई लड़की टीचर बनके अरुणाचल प्रदेश चली जाती, क्या वो पढ़ाई कर पाती, बच्चों को पढ़ा पाती? नहीं। झारखंड भारत देश विविधताओं का देश है, और जो लोग बाहर भीतर की बात कहते हैं मैं उनको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आह्वान करूंगा कि आप में अगर इतनी साहस है तो जाइए भारत के संविधान में जो पहला आर्टिकल लिखा है उसको बदलिए, वहां साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया वो राज्यों का संघ होगा, बिना राज्य के आप देश कैसे बनाएंगे माननीय, कैसे देश बनाएंगे? यहां भाषा एक नहीं, बोली एक नहीं,